दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मुकाबले में हराकर अपनी हार का बदला ले लिया और 10 विकेट से पाकिस्तान को रौंद डाला। दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हो कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को कैसे हराया तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूले। दोस्तों भारतीय टीम ने पाकिस्तान के बीच में कुल मिलाकर 132 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 55 मुकाबले भारत ने जीते हैं, ठीक वहीं 73 मुकाबले पाकिस्तान की टीम ने जीते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई और आते ही मोहम्मद सिराज ने पहली ही बॉल पर पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। यही नहीं दोस्तों, फखर जमान बिना खाता खोले मात्र शून्य के स्कोर पर ही आउट हो गए। इसके बाद इमाम उल हक ने इससे सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक वहीं बाबर आजम ने मात्र 7 रन बनाए। इसके बाद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 25 रन बनाए। ऐसे में पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 90 रन ही बना सकी और 25 ओवर में ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा महज 15 ओवर में ही कर लिया और 1 विकेट के नुकसान पर 94 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिनमें रोहित शर्मा ने 52 रन तथा विराट ने 27 रन बनाए। हालांकि शुभमन गिल को 7 रन पर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया।